अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम इस पेटल की फिलिंग कर लेंगे। इसके साथ की 2 पेटल्स हमने ऑलरेडी बना ली हैं। सिंपल सेटिन स्टिच के ज़रिए हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। ये सिंपल ब्राइटा का बनाना बहुत ही आसान है। अपने पैटर्न के टॉप से हमने नीडल को निकालना है और उसी पैटर्न के एंड पॉइंट पर हमने नीडल को कपड़े के अंदर सिक्योर कर देना है। इसी तरह कंटिन्यूसली हम अपने स्टिचेस लेते जाएंगे और ये सिंपल सी भराई होती जाएगी। इस पेटल की फिलिंग के लिए हमने 2 कलर के थ्रेड इस्तेमाल किया है और शेड जो है वो हमारा सेम है, सिर्फ उसमें कलर डार्क और लाइट हमने यूज़ किए हैं। आप चाहे तो 2 डिफरेंट कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले लाइट कलर के साथ पेटल का ऊपर का एरिया कवर किया है, उसके बाद डार्क कलर के साथ बाकी की फिलिंग करके हमने इस पेटल को कंप्लीट किया है। इस तरह ये 2 कलर्स में शेडेड पेटल बन गई है। फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद हमने ग्रीन कलर के थ्रेड से ये पेटल्स बनाई हैं। यहाँ हमने फिश बॉन स्टिच यूज़ करते हुए इस पेटल की फिलिंग करनी है। फिश बॉन स्टिच बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
फ्रेंच नॉट स्टिच के ज़रिए हम इसकी फाइनल टचिंग दे रहे हैं। फ्रेंच नॉट स्टिच बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले अपने थ्रेड को नीडल के ऊपर रैप करें, उसके बाद उस थ्रेड को फैब्रिक से नीचे ले जाकर सिक्योर कर दें। अगर आप सिंगल फ्रेंच नॉट स्टिच बनाना चाहते हैं तो आप वन टाइम रैप करेंगे धागे को, और अगर आप डबल फ्रेंच नॉट स्टिच बनाना चाहते हैं तो आप अपने धागे को सुई के ऊपर टू टाइम्स यानी दो दफ़ा रैप करेंगे और उसके बाद अपने फैब्रिक के नीचे ले जाकर सिक्योर कर दें। इस तरह से ये बहुत ही प्यारा फ्रेंच नॉट स्टिच तैयार हो जाता है। फाइनल टचिंग में हमने ये गोल्डन कलर का पर्ल लगाया है और हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। लास्ट में हमने फ्रेंच नॉट के ज़रिए तमाम एरिया को फिल कर लिया है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और अपने जैसा बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।